तो मेरा नाम प्रमोद और आज के दिन हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो जहां एक बार 10-12% रिटर्न देने के बावजूद आज फिर एक 2% का उछाल देखने को मिल चुका है यस बैंक लिमिटेड के अंदर। तो एक बढ़िया उछाल हमें लगा है कि यस बैंक इतने अच्छे रिटर्न देने की कोशिश कर रहा है और अपने ऑल टाइम जो लो था उसको छोड़ के ऊपर की तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, साथ ही में इस स्टॉक के न्यूज़ के बारे में भी देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा ये कहना है आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर न्यूज़ बेसिस पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 घंटे पहले आइए MF सोल्ड यस बैंक वोडाफोन आइडिया ट्विड स्टेक्स इन दीज झुंझुनू वाला स्टॉक। जो MF है उन्होंने बेच दिए यस बैंक में शेयर। साथ में आप देख सकते हैं स्टॉक इन न्यूज़ जी एंटरटेनमेंट HFCL श्री सीमेंट एंड यस बैंक। तो बात करें अब यस बैंक क्यों न्यूज़ में रहा, तो पहली जो न्यूज़ रही है वो यहाँ से कवर अप कर दूंगा मैं। तो आप देख सकते हैं ICRA रिफर्म एंड रेटिंग है ना, उन्होंने क्रेडिंग फैसिलिटी करी है यस बैंक के अंदर, तो वो एक अच्छी लगी हमें बात। साथ में देख सकते हैं स्टॉक जो देखने को मिला आपको इस न्यूज़ के अंदर वापस यस बैंक देखने को मिला। यस बैंक ईयर 2020 क्वार्टरली रिजल्ट रिफ्लेक्टेड स्टेबल ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं जो ग्रोथ हुई है वो कई एनालिटिक ने कही है कि उनके क्वार्टर रिजल्ट की वजह से हुई है। डिफरेंस क्रॉप अप अमॉन्ग डिश टीवी इन्वेस्टर यस बैंक प्रपोजल टू आउट डिश टीवी बोर्ड्स। तो स्मॉल इन्वेस्टर उन्होंने प्रपोजल रखा है, उन्होंने डिफरेंस किया है कि प्रपोजल को आउट किया जाए डिश टीवी बोर्ड के लिए। यस बैंक 6 अदर स्टेटल केस विथ सेबी पे 1.65 करोड़। तो आप देख सकते हैं यस बैंक अभी भी यस बैंक को 1.65 करोड़ रुपये देने सेबी को कहीं 6 अन्य केस के अंदर। जो MF जो मेन न्यूज़ रही है वो ये रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ MF सोल्ड यस बैंक वोडाफोन आइडिया ट्विट स्टेक्स इन दीज झुंझुनू वाला स्टॉक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ। डेट शोड MF हेल्ड यस बैंक शेयर ऑफ वर्थ ऑफ 137 करोड़ ऑन August 31 विद अ कंपेयर ऑफ 155 करोड़ ऑन द एंड ऑफ जुलाई। ड्यूरिंग द मंथ दे ट्रिम्ड द होल्डिंग इन प्राइवेट लेंडर 15 करोड़ शेयर्स एंड 176.67 रिटेल एंड द HNI इन्वेस्टर ओन 32% स्टेक इन लेंडर ऑफ द जून क्वार्टर। वोडाफोन आइडिया आप देख सकते हैं उसके अंदर भी म्यूचुअल फंड की गिरावट आई। तो साफ एक बात मानी जा रही है कि म्यूचुअल फंड गिरते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं टॉप 10 सेल्स इन लार्ज कैप, तो सबसे ज़्यादा सेल्स से निकले हैं पिरामल इंडस्ट्री। यस बैंक भी 4th नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो देख सकते हैं और जो सबसे ज़्यादा बाय में गए हैं वो DHFL लूपिन बंधन बैंक। आप देख सकते हैं बंधन बैंक कितना ज़्यादा मूवमेंट में आया और गया है ऊपर की साइड। और अगर देखा जाए यहाँ पे बर्गर पेंट और को लिया गया कि अब ये फ्यूचर हो सकते हैं इसलिए लिया गया। तो आप देख सकते हैं यस बैंक की इतनी ही न्यूज़ थी। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। अगर आपको पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।